हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कॉस्मिक किचन। और आज हम अपने शो में देखेंगे कि समोसा को कैसे बनाया जाता है, समोसा बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि समोसा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, समोसा बनाने के लिए हमें मसालों में इन सारी चीजों का प्रयोग करना है। ये मसाले हमें चाहिए अपना मसाला बनाने के लिए, जो हम समोसे के अंदर भरेंगे आलू का। तो आइए हम नोट करते हैं कि क्या क्या चाहिए हमें। 250 ग्राम उबला हुआ आलू, 50 ग्राम छिले हुए मटर, बारीक कटा हुआ धनिया लगभग 2-3 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 1.5 चम्मच। इसे हम पचफोरन बोलते हैं। इसमें 5 तरह के मसाले पड़े रहते हैं, जैसे कि सौंफ, अजवाइन, मंगरेल, मेथी। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा समोसा बनाने के लिए। जो बाजार में हम समोसा खाते हैं उसमें यही डाला रहता है, और इसी की खुशबू सबसे अच्छी लगती है समोसे में। तो पचफोरन हमें चाहिए 1 चम्मच, गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमें डो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। जो हमने रोटी बेलनी है समोसे को बनाने के लिए, उसके लिए जो जो चीज चाहिए आइए वो भी नोट कर लीजिए। हमें चाहिए मैदा लगभग 150-200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, मंगरेल ये हमें चाहिए 1/2 छोटे चम्मच, अजवाइन हमें चाहिए 1/2 छोटे चम्मच, नमक चाहिए हमें 1/4 छोटा चम्मच एकदम हल्का सा, पानी गूथने के लिए, और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तो हमने गैस जला लिया है, और सबसे पहले हम अपना ये जो कढ़ाई है इसे इस पर रख देंगे और कढ़ाई को एक बार गर्म होने देंगे। तो ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चली है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। ये हमने 5-6 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। अब इसे गर्म होने देंगे। हमारा तेल अब गर्म हो चला है। इसमें हमारा जो पचफोरन है और एक खड़ा लाल मिर्च है, ये इसमें हम डाल देंगे। और हमें सारी चीजें याद रखें, हमने आंच हाई पे रखा है फ्लेम, और हम सारी चीजें इसमें स्पीड में डालनी है। जैसे ही पचफोरन कड़कने लगेगा इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा चलाएंगे तेजी आग पर। इसके बाद हम जो मटर डालेंगे, मटर डालने के बाद हम इसे फिर चलाएंगे थोड़ा सा। मटर अगर उड़ने लगे आपका इसे कुछ नहीं करना है, आप उस स्टीम पे करके इसे ढक देना लीड से। मटर अब उड़ना बंद हो गया है, तो अब हम इसमें उठा देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च चाहिए, गरम मसाला, नमक थोड़ा सा भी डालेंगे, थोड़ा सा थोड़ी देर बाद डालेंगे नमक, ठीक है। इसे अब हम ये अपना आलू लेंगे और इसे मैश करते हुए सारा आलू इसमें पलटेंगे। हाथ से मैश कर लें, या फिर इसमें आप सारे आलू डालकर उसे ग्लास के बॉटम से भी आप कटोरी के मैश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से ज्यादा ही घी रहेगा। ये हमने इसमें सारा आलू डाल दिया। अब हमने सारा आलू डाल दिया है। अब इसमें आंच को तेज करेंगे यहां पर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूजेंगे। इसमें देखें आप, लंप थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए।
कि आप देख सकते हैं अभी हमें एक मिनट हो चुका है इसे चलाते चलाते, ये सारे लम्स तो खत्म कर देना है और हम इसे एक से दो मिनट और चलाएंगे तेज आंच पर, इसे और चलाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना मैजिक मसाला, और फिर इसे चलाएंगे। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, अभी हमारा लगभग 10 मिनट हमने इसे भूज लिया है और ये अब हम इसे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडे होने के लिए, पूरी तरह से ठंडे होने के लिए लगभग आधे से घंटे छोड़ देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैदा है इसमें हम ये थोड़ी सी अंदाज से आधे छोटे चम्मच मंगरेल डालेंगे, इस तरह से चारों तरफ छिड़केंगे तो आपको ज्यादा सही अंदाजा मिलेगा। उसके बाद वैसे ही हमें ये अजवाइन भी छिड़क लेना है थोड़ा सा, जो सॉल्ट है हमारा ये हमें ले लेना है हल्का सा, ज्यादा नहीं। और थोड़ा सा तेल, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप इसमें गर्म पानी डालकर गूंथेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इलास्टिसिटी उसमें बढ़ जाएगी और ये बेलने में काफी अच्छा रहेगा। अब इसे हम लोगों ने मिला लिया अच्छे से, पूरे अच्छे से मिला लेंगे इसे, बहुत जरूरी स्टेप है कि अच्छे तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अजवाइन, नमक, मंगरेल और तेल, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल्का सा भी इसमें ये नहीं रहे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे गूंथेंगे। तो दोस्तों ये हमने अपना मैदा गूंथ लिया है, अब इसकी हम छोटी छोटी लोई काट कर उसे बेल लेंगे भरने के लिए। तो दोस्तों हमने अपने लोई का ये देखिए बेल लिया है, ये भरने का सामान भी यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने रोटी बेली है इसे हमें बीच से एकदम सीधा कट मार देना है ऐसे, ठीक है। अब हम इसको कैसे फोल्ड करेंगे ये दिखाते हैं कि समोसे को फोल्ड कैसे किया जाए। अब हम इसमें आधे में पानी लगाएंगे यहां पर इस पोर्शन में, कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहां से यहां पानी लगाना है, इसको सीधे यहां पर ऐसे पकड़कर इस तरह से कर देना है, एक उंगली पर रख के इसको फिर पूरा अच्छे से पुश कर देना है ताकि इसके अंदर फ्राई करते वक्त तेल ना जाए, और लास्ट वाले फोल्डर को हम लोग को तो बंद कर देना है। अभी हमारा कॉनिकल शेप में ही आ गया, अब इसमें हम जो हमने मसाला बनाया है ये मसाला बहुत ज्यादा नहीं भरना है, एकदम हल्का सा भरना है मसाला, तो ये हम इसमें मसाला भरेंगे। मसाला भरने के बाद इसमें हम फिर से पानी लगाएंगे और इसमें एक फोल्ड करेंगे यहां पर इस तरह से, ये जनरली लोग नहीं करते हैं, तो ये फोल्ड करके समोसे को हम इस तरह से पैक कर देंगे। फोल्ड करने से क्या होगा कि हमारा ये समोसा इस तरह से जब आप रखेंगे खड़ा हो जाएगा, ये हमारा समोसा एकदम परफेक्ट शेप में बनकर रेडी है। इसी तरीके से आप और भी समोसे बनाएं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने अपना समोसा बना लिया है, चलिए आप अब इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले ये गैस में गैस को ऑन कर लेंगे, तेज आंच कर लेंगे और एक बार जब गर्म हो जाएगा तेल तो इसे हम धीमा आंच कर लेंगे,
तेल बराबर गर्म हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा मैदा तोड़ लेना है और इसे इस तरीके से डालना है। अगर इसमें बबल्स नहीं आ रहे हैं और ये नीचे डूब जा रहा है मतलब तेल अभी गर्म नहीं हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं बबल आ गया है, तेल गर्म हो चला है और ये जैसे ही ऊपर आएगा हम इसे धीमा आंच कर देंगे। अब हम इसमें समोसा डालेंगे अपना, एक एक करके समोसे को निकालें और धीरे धीरे इसमें आपको डालते जाना है। धीमा आंच हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर इसे हमने तेज आंच में डालेंगे तो ऊपर पूरे बबल बन जाएंगे और धीमा आंच रखने पर वो अच्छे से फ्राई होता है। हमने सारा समोसा डाल दिया है, अब इसे हम ऐसे ही पलटना नहीं है, बस तेल में बराबर इसको डुबा देना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो 1 से 1.5 मिनट और चले जाए, अब इसमें हम इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलाएंगे, आंच को थोड़ा हम मीडियम पे कर देंगे। इसे हम थोड़ा 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 चलाते रहेंगे, अलग अलग हल्का सा देखें जैसे कि गोल्डन ब्राउन हुआ है वैसे ही हमें इसे पलट देना है, इसे हमें चलाते रहना है। दोस्तों आ गया है हमारा एक टाइम से इसका कलर, अब इसे हम पलटेंगे सारे समोसों को एक एक करके। ये देखिए जैसे कि ऊपर से गोल्डन ब्राउन आपको दिख रहा होगा हो गया, सारे समोसों को हम तरीके से पलट देंगे। आप देख सकते हैं नीचे से हमारा समोसा पूरा पक गया है, अब इसे इस तरफ भी 2 से 3 मिनट हमें सही धीमा आंच पर इसे पकाना है, बीच बीच में हल्का हल्का इस तरह से चलाते रहना है, अच्छे से तेल को ड्रेन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने सारा समोसा निकाल लिया है और ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे कैचअप और सिजवान सॉस के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये डिश पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।